हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए मेरे गार्डन में कितने प्यारे रेन लिली के फ्लावर खिले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए वाइट कलर के, और अभी सीजन में ये ब्लूमिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए रेन लिली के वाइट फ्लावर, और मेरे पास पिंक भी है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नीम का प्लांट है, मैंने लिया था नर्सरी से, जो वो आज मैं रिपोर्ट करूँगी। और इसके लिए देखिए मैंने ये प्लास्टिक का पोट लिया है, थोड़ा बड़ा है, और इसमें मिट्टी भी डाल दी है। और इसको कैसे लगाते हैं और इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है और कैसे सीड से लगता है, वो आज मैं वो सब दिखाऊंगी आपको लगाकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने घर में मीठे नीम का प्लांट कैसे लगाते हैं वो ग्रो करके दिखाऊंगी आपको, अपने घर में कैसे पोट में लगाएंगे। और देखिए मैंने ये प्लांट लिया था मैंने वो मीठे नीम का, वो आज मैं रिपोर्ट करूंगी। और सीड से कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने प्लास्टिक का पोट लिया है और थोड़ी मिट्टी इसमें भर ली है। मिट्टी भी कोई भी मिट्टी में चल जाएगा, ये बड़ा हार्डी प्लांट है और सोइल इसकी वेल ड्रेन रखनी है। और इसमें सब मिला हुआ कंपोस्ट और सब खाद मिलाया हुआ है, तो अभी खाद देने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये मैंने नर्सरी से लिया था प्लांट, अभी तो नर्सरी में इसकी सीज़न है, ये तो आसानी से मिल जाते हैं 30-40 रुपये में ये प्लांट। और अपने घर पे हम मीठे नीम का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और मैंने थोड़े इसके सीड भी कलेक्ट किए हैं। आपके घर के आजू बाजू में कोई ये मीठे नीम का ट्री हो तो उसमें से अभी सीड बनते हैं, वो पहले रेड होते हैं फिर ब्लैक बन जाते हैं। और अब इसकी सीजन है इसकी सीड की, तो ये पीक टाइम है इसका ग्रो करने का, सीडलिंग का भी। इसका सीड भी अभी जून जुलाई में हम ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये इसके सीड भी मैं लेकर आई थी, हमारे बाजू में पेड़ है वहाँ पर, तो उसमें ये सीड लगे हुए थे, तो वहाँ पर से मैंने लिए हैं। तो इसको भी मैं लगा कर दिखाऊँगी। और मैंने थोड़े ग्रो भी कर दिए, तो ये 6-7 दिन में तो इसके प्लांट बन जाते हैं, बड़े फास्ट ग्रो होते हैं। और अभी इसकी सीज़न है लगाने की सीड की। और इसके सीड देखिए, इसमें पानी में मैंने भिगो कर रखे हैं, देखिए ऐसे पानी में भिगो कर रखे हैं। और ये जितने सीड है सब ग्रो हो जाते हैं बहुत आसानी से, और अलग अलग कई प्लांट हमारे घर में बन जा हो सकते हैं। और मीठा नीम तो हमारे किचन में भी हम यूज़ करते हैं, और ये मेडिसिनल प्लांट भी है, बहुत ही यूज़फुल प्लांट है, तो ये तो हमारे घर में ही लगाना ही चाहिए फ्रेंड्स। हमको बहुत अच्छा लगता है, और घर में नीम का प्लांट तो बहुत अच्छा है। तो देखिए अब लगाते हैं। देखिए मैं एक थैली से निकाल देती हूँ। और इसको वेल्डन मिट्टी चाहिए, बहुत तो गीली मिट्टी में नहीं रखना है, जब इसकी सोइल ड्राई हो तभी इसमें पानी देना है। और दो तीन घंटे की सनलाइट देनी है, ये तो फुल सनलाइट में भी चलता है, और पार्शियल वो शेड आता है शेड में रखे तो भी ये चलता है, और सनलाइट में अच्छा अच्छी तरह से ग्रो होता है प्लांट ये। और इसको खाद दो महीने में एक बार, बहुत रिक्वायरमेंट नहीं खाद की इसकी, दो महीने में एक बार खाद दे सकते हैं इसकी। इसको देखिए मैंने प्लांट इसमें से निकाल लिया है। और इसमें और देख, आज मैं अपने टेरेस पर हूँ, और ये इसको मैं सनलाइट में रखूँगी, और बारिश की सीज़न में इसमें बारिश पड़े इसलिए। और आपको मेरा लोकेशन न्यू लगेगा अभी, हमने अपने टेरेस पर हम इस वीडियो बना रहे हैं इसलिए। देखिए ये मैंने इसमें रख दिया ऐसे, और इसमें हम मिट्टी डाल देंगे। देखिए ये बड़ा हार्डी प्लांट है, और अभी मानसून की सीज़न में इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं। और फिर इसमें ऐसे हमको थोड़ा पेड़ जैसा भूसी बनाना है, तो उसको ऊपर से हम कट करके इसकी और ब्रांचेस से अब दो तीन निकल सकती है, तो बड़ा भूसी बन सकता है प्लांट, और बड़ा हार्डी प्लांट है, और उसको बहुत खाद की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दो महीने में एक बार ही खाद देनी है इसको, और मिट्टी इसकी वेल ड्रेन रखनी है। रिच सॉइल में भी चल सकता है, और अच्छी कोई भी मिट्टी में चल सकता है। और बारिश की सीज़न में इसकी कटिंग लग सकती है, और ऑफ सीजन में इसकी कटिंग नहीं लग सकती। और हम अभी सीड लगा कर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऐसे इसके सीड लगाने हैं। देखिए पहले इसमें थोड़ी हम मिट्टी डाल देंगे अभी, और इसके इसमें हम स्टिक लगा देंगे, तो
तो इसे ऐसे ये अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा। स्टिक लगा दूंगी मैं इसमें, मिट्टी डाल देंगे पूरी ऐसे। और देखिए ये सीड है, तो इसमें से ये मैंने पानी में भिगो कर रखे हैं देखिए। तो ये इसमें देखिए इसके इसके ऊपर के ये है ना, ऊपर का ये छिलका जैसा है ना, इसको हम छोल देंगे ऐसे ही। और इसमें से जो ये निकलता है ना, ये इसके सीड है देखिए देखिए ऐसे। तो इसको हमें लगाना है और थोड़े दिन में ये चल जाता है। तो मैं देखिए इसमें लगा दूँगी यहाँ साइड में, एक यहाँ लगा दूँगी ऐसे सब में छिल के, और फिर आपको दिखाऊंगी अलग अलग सब जगह आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर से ऐसे छिलका निकाल देना है ऐसे, और इसमें से जो सीड निकले ना वो हमें लगाना है। देखिए ऐसे देखिए निकल गए एक और दूसरा। पहले ये पेड़ में ग्रीन कलर के होते हैं, फिर रेड हो जाते हैं, और फिर ब्लैक हो जाते हैं, फिर हमें इसको निकालना है। तो फ्रेंड्स इसको हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में आप इसकी सीड डाल दीजिए तो बड़ा ट्री हो जाता है, वो भी अच्छा लगता है और सालों साल चलता है वो। ये प्लांट एक बार लगा ले तो ये अपने गार्डन से नहीं जाएगा, और ज़मीन में तो बहुत बड़ा ट्री होता है, तो ये भी अच्छा लगता है। और मेडिसिनल प्लांट है ये, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और वातावरण को भी ये शुद्ध रखते हैं। नीम का प्लांट तो बहुत अच्छा है, हमारे गार्डन में होना ही चाहिए नीम का प्लांट। तो देखिए ये मैंने पूरा भर दिया है, और फिर इसमें मैं इसके सीड लगा दूँगी, थोड़ा ऊपर 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 लगा दूँगी, और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी। तो आप थोड़े दिन में मैं आपको दिखाऊँगी वो जर्मिनेशन इसकी कैसी होती है, सीड की छोटे छोटे निकल जाते हैं प्लांट इसमें से। देखिए चार पाँच और भी मेरे पास है, तो अलग अलग मैं लगा दूँगी, एक यहाँ लगा दूँगी मैं और एक इस तरह अलग अलग सब जगह पे थोड़े थोड़े दूर लगा देंगे हम, और सब जगह ये ग्रो हो जाते हैं देखिए। और थोड़े दिन में दिखाऊंगी मैं कितने से किए ग्रो, और उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। अब देखिए इसमें मैं पानी पिला दूँगी, और इसकी मिट्टी पूरी नीचे तक पानी जाए। फर्स्ट टाइम तो हमें अच्छी वाटरिंग करनी है, जिससे पानी पूरा नीचे तक वो ड्रेन हो जाए और हमें पता चले कि अपनी मिट्टी कैसी बनी है। तो देखिए पूरा पानी नीचे उतर गया है, देखिए मैंने पानी पूरा दो मग जितना पानी पिला दिया है, सब मिट्टी में से वो उतर गया है नीचे, और बहुत अच्छी मिट्टी बनी है। और अभी मैं इसको अपने टेरेस पर ही रखूँगी, और थोड़े शेड जगह में रखूँगी, और दो तीन दिन बाद फुल सनलाइट में इसको रख दूँगी, तो हमारा प्लांट अच्छा चलने लगेगा। तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिएगा।